देखो गाइज, बेहतरीन। देखो गाइज, तो व्हाट इज अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। और आपका स्वागत है आपके खुद के डाकू ब्लॉग्स में। सो गाइज, आज का दिन है बहुत ही अमेजिंग, लेकिन फिलहाल अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है क्योंकि तबीयत थोड़ा डाउन थी इसलिए ऑफिस नहीं गए थे। ठीक है, मतलब मेरा अगर बना हुआ खा लोगे छोले तो फिर बताना कैसा। तो आज हमारे रेसिपी में है, आज क्या बनने वाला है, आज बनने वाला है पिंडी छोले। चलते हैं डायरेक्ट पिंडी छोले बनाने के लिए। ठीक है गाइज, अभी लेकिन मौसम बाहर में बहुत बढ़िया है, बेहतरीन मौसम है। तो चलिए अभी चलते हैं किचन में। किचन जाने के बाद अपना चेक करते हैं कैसे क्या बनेगा। वैसे रात के टाइम में मैंने छोले को भिगोने के लिए छोड़ दिया था एक पतीली में। तो चलिए अभी चलते हैं वहाँ पे, आपको छोले दिखाएंगे। भूख भी बहुत तेज लगा हुआ है गाइस, लेट्स गो। गाइस आ चुके हैं, प्याज व्याज मैंने ऑलरेडी कट कर लिया अभी वीडियो बनाने से पहले मैं आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे टमेटोज हैं, यहाँ पे अनियन है, यहाँ पे मसाले जो मैं अपने सीक्रेट मसाले, जो भी सीक्रेट वही है यार, सिम टू सिम जो अपन डालते हैं। और यहाँ पे मैंने कुकर, पूरा प्रेशर कुकर को वॉश कर लिया है। और गाइस ये रहे अपने छोले। ठीक है, तो ये छोले को रात को मैंने भिगोने के लिए डाल दिया था। तो चलिए अब यहाँ से आपको दिखाते हैं। इसको पहले छोले को साफ करते हैं थोड़ा पानी में, उसके बाद अब आपको प्रिपरेशन दिखाते हैं। डायरेक्ट बने रहिए व्लॉग में। चैनल में नए हैं तो डाकू की तरफ से हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस चलिए अब आपको दिखाते हैं कैसे छोले बनाते हैं। बैचलर लोग बोले तो डाकू कैसे छोला बनाता है। चलिए देखिए, अभी ये येलो कलर अभी टर्न हो जाएगा ब्लैक में, क्योंकि अब हम रेस्टोरेंट थोड़ा टच भी देने वाले हैं गाइस जिसमें। चलिए, वैसे गाइस घर में छोले मसाले ख़त्म हो गए थे तो मैंने ऑर्डर कर दिया है, साथ साथ गार्लिक और जिंजर, सॉरी जिंजर एंड गार्लिक दोनों मैंने ऑर्डर कर दिया है अच्छे से। तो अभी ब्लिंकिट से वो आता होगा, तो वेट कीजिए बस उसके आने का, उसके बाद प्रिपरेशन चालू होगा गाइस। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। सो गाइस चलिए अपना प्रिपरेशन ऑन करते हैं, इसको ऑन करते हैं। अरे क्या हुआ, अब होगा ऑन। इसको ऑन करते हैं यहाँ पे, और चलिए अब इसको चढ़ाते हैं। ये भी खाली है फिलहाल, थोड़ा सा हीटअप हो जाएगा, उसके बाद हम लोग दिखाता हूँ मैं आपको क्या करता हूँ हो जाए। तब तक ब्लिंकिट वाले भैया आ चुके हैं और सामान अपना छोले मसाला सब आ चुका है। चलिए वो उनका आने का वेट कर रहे हैं, और जैसे आते हैं तो आपको दिखाते हैं कि मैंने क्या क्या मंगाया है। सो गाइस अभी ब्लिंकिट वाले भाई अभी आ चुके हैं और अपना सामान वामान लेके। और इसको देखिए इसको देखिए, इसको मैंने कपड़े पर दिए थे, मैट वेट सब लगाया, सब बर्बाद करके रख दिया है। और यहाँ पर देखिए मस्त लेटा हुआ है। गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून सर्विस का यही होते रहता है। वैसे गाइज़ ये थोड़ा ब्लाइंड भी है, सॉरी गाइज़ ये सुन नहीं सकता है, तो इसको ये थोड़ा सा मतलब इसको कुछ प्रॉब्लम है बचपन से ही, लेकिन फिर भी इसको हम लोग यहाँ रखते हैं ताकि इसको बाद में दिक्कत बाहर में कुछ ना हो। अब देखिए भैया आ चुके हैं ब्लिंकिट वाले। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग लेके सामान आ गया गाइज़, और इसको भी देंगे कुछ। चलिए तो सामान वामान लेके गाइज़ निकलता है। तो गाइज़ सामान वामान आ चुका है। बेटा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग वीतू। तो गाइज यहाँ पे मस्त सोया हुआ है, इसका नाम ऑरेंज है गाइज, ऑरेंज। तो चलिए अब चलते हैं और दिखाते हैं आपको इसमें क्या है। सो गाइज इसमें है अपना ब्राउन ब्रेड, जो कि कल से शुरू होगा काम। इसमें है छोले मसाले, ब्रांडिंग नहीं करेंगे नहीं तो कंपनी का प्रमोशन हो जाएगा। यहाँ पे कर्ड है गाइज, ठीक है, एक कर्ड है, और यहाँ पे जिंजर और गार्लिक है, ठीक है। और ये क्या है भैया, ये होगा आपको ग्रीन चिली, ठीक है। तो ये ग्रीन चिली है गाइस। और यार ये तो गैस भी गर्म हो चुका है, तो चलिए अब इसमें डालते हैं। देखिए ऑलरेडी गर्म बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो अब इसमें पड़ेगा आपका मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल अपना जाएगा, देखिए कितना जाता है, बस परफेक्ट। अभी इसमें मस्टर्ड ऑयल चला गया गाइस। थोड़ा इसको प्री हीट होने देते हैं, ठीक है, सॉरी हीट होने देते हैं, और उसके बाद अपना दिखाते हैं। सो गाइज इसमें मस्त पड़ चुका है ऑयल, मस्टर्ड ऑयल जो अपना सरसों का तेल होता है वो पड़ चुका है इसमें। अब चलिए अब इसमें क्या करेंगे गाइज, थोड़ा सा इसको हीट होने देते हैं। अब देखो इसमें क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। पिंडी छोले जो हम लोग बनाते हैं जल्दी बन जाए और टेस्टी भी बने और रेस्टोरेंट स्टाइल का भी बने, तो बस इसको धुआं उड़ने तक का देरी है। धुआं उड़ने लगा और इसको मिनिमाइज करते हैं गाइज। और ये जो अनियन है ना, प्याज, बस इस प्याज को आपको इसमें डालना है, ठीक है। देखो गाइज थोड़ा डर भी लगता है गाइज, लड़का है ना घर में मम्मी बनाती थी, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा सीख गए गाइज। इसको पूरा इसमें डाल देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो गाइज इसका ये सीन है कि इसमें ऑलरेडी सब प्याज व्याज मैंने डाल दिया जैसे आपने देखा। उसके बाद इसको मस्त थोड़ा सर्कुलेट कर देते हैं, और इसको फुल आँच पे ही हम लोग कुछ देर ऐसे चला लेते हैं। उसके बाद इसमें पड़ेंगे गरम मसाले, जो खड़े गरम मसाले रहते हैं वो पड़ेंगे। तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये अब इसको मैंने ऐसे कर दिया। अब इसमें जाएंगे तो गाइज इसमें अभी डालेंगे हम लोग मसाले। देखो अभी ये मैंने मीडियम, अभी इसको फुल पे करना है, ठीक है। जैसे आप मसाले डालोगे फुल पे कर देना। सबसे पहले इसमें तेज पत्ते डाल देना, ठीक है। तेज पत्ता चला गया, उसको इसमें सूखी लाल मिर्च और इलायची, बड़ी इलायची तो मेरे पास थी नहीं गाइज, मैं मिस हो गया, वरना मैं ज़रूर डालता। क्या क्या मैं दिखा रहा हूँ। तेज पत्ता तो मैंने डाल दिया है, सूखी इलायची है, और उसके बाद फिर सॉरी सूखी इलायची बोल रहा हूँ, मतलब सूखी मिर्च है, इलायची है, लौंग है, ठीक है। तो ये सब उसमें चला गया। अब थोड़ा सा जीरा भी डाल देते हैं। देखो ये अलग टेक्निक ही है गाइज, मतलब कि आप सोचो कि ये सब पहले क्यों नहीं डाला, नहीं ये सब पहले डालना ही नहीं है। ये देखो थोड़ा सा इसको वो कर देना है, देखो बस 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 परफेक्ट। अब देखना, अब इसको फुल पे करके अब इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इसको बस वो करना है आपको, बस 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 भाई। उसके बाद एक बार ये हो जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद देखना इसमें डालेंगे हम लोग क्या, टमाटर। और जैसे टमाटर डालेंगे फिर नमक भी डाल देंगे। तो चलिए थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाता है। अब इसको तेज़पत्ता भी इसमें डाल दिए हैं, उसका देखिए। तो गाइज़ इसके इस सीन तक जैसे एक बार मैं आपको फ्लैश ऑन करके दिखा देता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक ये जो आपका जो अनियन है ना, प्याज है, वो जब गोल्डन ब्राउन टाइप का हो जाएगा ना इस तरह का, तब तक इसको आपको फ्राई करते रहना है, ठीक है। इसको आपको फ्राई करते रहना है। ये सच में बहुत बेनिफिशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो आपको दिखा रहा हूँ, ये तो हो गया। अब इसके बाद क्या पड़ेगा देख लो गाइज, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद डायरेक्ट हमारा जाएगा ये लौंग है, इसको हटा देते हैं। अब जाएगा इसमें टमाटर, और जैसे टमाटर जाता है उसके बाद हम डालेंगे क्या, नमक। नमक है कहाँ, देखिए नमक है ना ये। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, देखो कैसे, जैसे मेरा हाथ गाइस पूरा साफ है, टेंशन नहीं लेना है। स्वाद अनुसार हम नमक थोड़ा कम ही खाते हैं, लेकिन ये तीसरा नमक मुझे लगता है कहीं घातक ना हो जाए, तो जैसे इसमें डालते हैं। उसके बाद तब तक हम लोग क्या करते हैं, ये इसमें मैंने जिंजर और गार्लिक डाल दिया है। इसको कूटेंगे एवं ऐसे करके कूटेंगे तो रॉ टाइप का बनेगा, और इसका टेस्ट ज़्यादा आता है कंपेयर टू जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है। तो चलिए ये डालते हैं कुछ देर में। अभी जस्ट मैंने जो कूटा है ना जिंजर और गार्लिक को, भाई स्मेल इसका अमेजिंग है। तो चलिए अभी इसको मीडियम सॉरी सिम पे रखें, इसको पूरा डालते हैं इसमें। और जैसे डालेंगे गाइस इसका टेस्ट हल्का आ जाएगा। अभी इसको चलिए इसमें डाल देते हैं, थोड़ा सा पानी मिला गाइस इसमें। अब क्या करते हैं हम लोग, जिंजर गार्लिक पेस्ट को मैंने थोड़ा देर फ्राई कर लिया है। उसके बाद मैंने खड़े ये गार्लिक जो है, लहसुन है, इसको डाल दिया 4 छोटे। जितना छोटा लहसुन उतना अच्छा टेस्ट आता है गाइस। तो चलिए अभी इसको थोड़ा देर मस्त फ्राई करते हैं, ठीक है। इसको ढक के छोड़ेंगे ताकि टमाटर थोड़ा देर पक जाए। उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे अपने मसाले। तो ये मसाले हैं, ये जाएंगे इसमें। उसके बाद जो मज़ा आएगा गाइज, अलग लेवल का मज़ा आने वाला है। तो चलिए वेट कीजिए, बस इस पक जाए यार, जल्दी से आपको निकाल के दिखाएंगे ना गाइज, तो मज़ा आ जाएगा आपको। चैनल में सब्सक्राइब तो कर दो यार, इतना मेहनत करते हैं आपके लिए। देखिए तो मसालेज है ना, मसालेज, तो ये मसाले पूरे जाएंगे इसमें मस्त चारों साइड में। और इसको डालने के बाद ये थोड़े से मसाले रह गए ना गाइस, तो इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे कर देते हैं ताकि ये आराम से चला जाए। तो इसमें डालने के बाद, मसाला डालने के बाद अब इसको मिला लेते हैं गाइस। सो गाइस इसको मस्त मिला दिए हैं। देखिए क्या कंसिस्टेंसी आ रहा है, जरा देख लीजिए। आपको लाइट में दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए। अभी जबकि बना नहीं है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये बनने के बाद इसमें हल्का सा अब हम डालेंगे क्या, दिखाते हैं। हल्का सा गाइस डालेंगे, देखो क्या, थोड़ा थोड़ा पानी, थोड़ा सा हल्का सा बस, ताकि मसाले अंदर से जल ना जाए, है ना। अब देखो इसमें ये होने लगा, देखो क्या होने लगा, सब लग रहा है कि इसमें किसी आदमी को डाल दिया हो। तो गाइस ये देखो, इसको मस्त मिला लेते हैं और उसको कुछ देर के लिए ढक के छोड़ देते हैं ताकि मसाले आराम से पक जाए। गाइस इस स्टेज पे जब आ जाएगा आपका पूरा छोला मसाला, उसके बाद देखिए क्या होगा। यहाँ पर जब आ जाएगा, तेल साइड से छोड़ दिया है पूरा। तो अब इसमें हम डालेंगे पता है क्या, जो भिगोए हुए चने हैं ना, जिसको मैंने साफ अभी एडजस्ट किया है, इसको डाल देते हैं। इसको डालने के बाद अब देखिए इसको मिक्स करते हैं। भाई इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। अब आपको दिखाता हूँ मैं होटल और इसमें अंतर कैसे होता है, मतलब रेस्टोरेंट स्टाइल कैसे बनाए छोला घर में बैठे बैठे, जिसमें काला होता है ना वो। अब मैं दिखा रहा हूँ काला कैसे करता है, बने रहिए। इसको फुल पे किया, इसको थोड़ा सा मिक्स मैच किया। अब देखिए अब इसको काला कैसे करते हैं, यहीं पे ट्रिक लगता है गाइस जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर ट्रिक अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। स्टाइल बनाने का टेंटन। अब देखिए रेड लेवल का मैं क्या करूँगा, आप सोच रहे होगे ना। इसमें एग्जैक्टली देखो भाई 2 चम्मच इतना दिखाता, देखो 2 चम्मच इतना चाय पत्ती डाला, बस परफेक्ट। 2 चम्मच इतना चाय पत्ती डाल के इसको उबाल आने दो एक बार, उसके बाद देखना क्या होता है। अब गाइस यहाँ पे चाय पत्ती अभी धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो, जैसे ये उबलने लगेगा तो इसका पानी इससे छान के इसमें डाल के मिक्स कर देना है। अभी देखो कितना मज़ा आएगा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च काट के, अभी देखना भाई अलग लेवल का बनता है। सो गाइस इसका पानी मैंने छान के इसमें डाल दिया है। अब देखो ये क्या करता है। अब यहाँ पर हम डालेंगे, देखो क्या क्या डालते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल करेंगे गाइस, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा बेकिंग सोडा कैसे, देखिए गाइस थोड़ा सा बेकिंग सोडा हाथ में रखता हूँ, ठीक है। और इसको इसमें पलट देंगे तो इससे क्या होगा, एल्कलाइन जो नेचर होता है वो एक्टिवेट हो जाएगा और इसके अंदर का जो कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा वो पूरा आपके मतलब रिएक्शन करके आपका एक नंबर टेस्ट बना देगा गाइस। अब इसको क्या करते हैं, देखो इतना करने के बाद अभी देखो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनना शुरू हो गया। तो अब हम डालेंगे इसमें मस्त अपना जो कटा हुआ प्याज है, सॉरी गाइस कटा हुआ मिर्ची है, ग्रीन चिली, इसको मस्त डाल दिए। डालने के बाद इसको हल्का सा मिला के, ठीक है। और देखो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा, देखो कलर देखो कैसा आ रहा है गाइस। अभी बना कहाँ है गाइस, ये देखो येलो येलो कलर है ना। उसके बाद में देखना कैसा बनता है। तो अब इसके बाद अब हम इसको ढक के कम से कम 7 सीटी लगवाएंगे, 6 से 7 से 8 मैक्सिमम 8, लेकिन मेरे को लगता है मेरा बन जाता है आपको एग्जैक्टली 6 से 7 सीटी में ही, ठीक है। तो चलिए अब इसको ढकते हैं और यहाँ से इसको सीटी लगवाएंगे। तो गाइज ऐसा हो गया है पूरा सेटअप तैयार। अब इसको फुल आंच पे एग्जैक्टली 6 से 7 से 8 देखते हैं। मेरा मन कब करेगा मैं बता दूंगा आपको। अब डायरेक्ट आपको दिखाऊंगा मैं 7वें सीटी जब जैसे बजेगा ना इसका सीटी, ये वाला विसल ऐसे करके, तो 7वां जब जैसे बजता है उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा लगता है देखने में गाइस। और मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ यार, मेरे को बहुत ही भूख लगा है। तो चलिए अभी इसको ये करने के बाद राइस बनाएंगे, है ना। सो गाइस ये था 6ठा सीटी। अब इसके बाद हम करते हैं इसको बंद, ठीक है। अब इसका निकालेंगे पूरा, इसके गैस को, इसके वेपर को पूरा निकालेंगे और वेट करता है। अभी ऐसे नहीं निकालना है, ऐसे बिल्कुल नहीं निकाल, इसको 5 मिनट छोड़ दीजिए। 5 मिनट के बाद मिलते हैं आपसे। सो गाइस देखिए पूरा वेपर निकल चुका है ना। अब इसको खोलते हैं, कहीं उड़ ना जाए, डर वड़ी लगता है भाई। कभी कभी मेरे को इसी चीज़ का डर लगता है। तो गाइस आर यू रेडी, तो मैं फ्लैश ऑन कर देता हूँ कि आपको पता चलेगा कैसा बना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ऊपर से आप सोच रहे हो कि आपको दिखा दो मैं इसमें, कोई बात नहीं, आप मेरे लिए सब कुछ आप देख सकते हो गाइस। कैसा बना बाबा रे भाई, स्मेल भाई इतना प्यारा स्मेल आ रहा है गाइस। अब देखो छोला का कंसिस्टेंसी देखो गाइस, खतरनाक। चलो इसको इसमें डालते हैं क्योंकि इसमें तो राइस बनेगा ना। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं इसमें से डाल के। थोड़ा इसको गैस ऑन कर लेते हैं और इधर शिफ्ट करते हैं इसको। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इधर से शिफ्टिंग कर दिया और गाइस इसका कंसिस्टेंसी भाई साहब अलग। अरे बच गया। तो इसको भी थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे और गाइस अब देखिए कितना मस्त मैश हो जाएगा। देखिए कितना खतरनाक लग रहा है, मतलब ये पूरा मैश हो जाएगा। देखो गाइस एक बार में देखो टूट रहा है भाई साहब। चलिए इसको कुछ देर और लगेगा। इसमें भी एक मस्त घी का फोरन भी करेंगे, वो भी आपको देखना है। और यहाँ पर आप बना रहे हैं हम लोग घी जीरा राइस। तो चलिए बने रहिए व्लॉग। तो गाइस साइड में ये मस्त अपना लो आंच पे चल रहा है, इसमें फ़ौरन डालेंगे। लेकिन उससे पहले जीरा राइस का रेडी कर लेता है। राइस को मस्त पानी में भिगो दिए हैं और यहाँ पे घी में और जीरा थोड़ा सा इसको फ़ौरन लगाना, देखा कैसे लगाता है। तो गाइस इसमें मस्त गया, थोड़ा देर के लिए इसको छोड़ देता है, ठीक है। और इसमें हल्का हल्का देखो 1-1 चुटकी हल्दी डाल दो, 1 चुटकी हल्दी और 1-1 चुटकी बस, खाली ज़्यादा नहीं। देखो दिमाग, हल्का हल्का सब मसाला हल्का हल्का डाल दो ताकि एक बिरयानी टाइप का मतलब फील आए बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जीरा मस्त रेडी हो रहा है गाइस। अब इसको क्या करेंगे, देखो आग उसमें लगाएंगे, थोड़ा सा आग लगेगा, देखो लग गया आग। अब इसमें क्या करना है गाइस, अब इसको पानी में मस्त डाल के देखो गाइस इसमें मिला दिए, ठीक है। अब इसको क्या करना है, देखो ये करने के बाद ये राइस में पूरा जीरा राइस टाइप का जो बेसिक में बन जाता है, देखो तुरंत जीरा राइस बन जाएगा। तो गाइस चलो अभी ये है, अब इसमें भी एक फोरन लगाएंगे और पहले जीरा राइस को रेडी कर लेता है। भाई स्मेल बहुत तगड़ा आ रहा है गाइस। अब इसको ये बन चुका है, इसको बस एक बार फुल आंच पे रख के और इसको एक बार ढक देना है। ये रेडी हो गया, अब इसको हटा दो। घी यहाँ पे है। सो गाइज अभी घी में, अभी देखो इसके लिए फ़ौरन लगाना बहुत ज़रूरी है गाइज, तो इसके लिए हम फ़ौरन लगाया जा रहा है। इसमें मिर्ची, अदरक और देसी घी, ठीक है। तो ये पूरा मस्त 2 मिनट के लिए जाएगा। देखिए कैसा, ये देखिए कैसा लग रहा है, ब्लू ब्लू कलर का लाइन देना शुरू किया। देखिए मैं थोड़ा दिखा रहा हूँ, देखो क्रिस्टल टाइप का छोड़ने लगा। तो यही अपना है एक गजब तरीका। इसमें घी जब रहा, देखो कैसा कलर आएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको मस्त इसमें इस तरह उछल देंगे, यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। तो बस यही अपना करना था। इसको करेंगे बंद। अब देखिएगा ये कैसा लाइन लगा रहा है, यही इसका मजा। देखिए गाइस खतरनाक। अब बताइए किसको इसको भूख लगा है, उसको मैं खिलाऊंगा। सबसे इपिक चीज़ जो है ना गाइस, ये है लहसुन। जो मेरे बहुत से लोग, मेरे दोस्त लोग बोलते हैं लहसुन का क्या खेल है, कभी आप ऐसे बना के खा के देखना, उसके बताना। और गाइस इतना जूसी है ना ये, सीरियसली मैं बताऊँ खतरनाक है गाइस, खतरनाक। और कंसिस्टेंसी देख लो गाइस, मैं दिखा रहा हूँ। देखो लहसुन इधर भी है, 2-3 लहसुन है, मस्त खा जाएगा एकदम। भाई नॉनवेज फेल है, मैं सही बता रहा हूँ। देखो गाइस क्या है इसका खेला। तो चलिए इसको अब सर्व करने का टाइम आ गया। और वैसे जीरा राइस भी अपना रेडी होने वाला है जल्दी। तो गाइस यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहा हूँ, जीरा राइस मस्त बन के रेडी हो चुका है गाइस। लेकिन जीरा मैं ज़्यादा नहीं डाला हूँ, ताकि मेरे को इतना ही ठीक लगता है। अब देखिए इसमें, इसको निकालते हैं और आपको दिखाते हैं प्लेट में, ठीक है। अब सर्विंग के टाइम में मज़ा आ जाएगा भाई, टेस्टी बहुत ज़बरदस्त है, स्मेल बहुत फाड़ू है। तो ठीक है गाइस, देखिए सब्सक्राइब कीजिए और अब प्लेट में देखिए। सो गाइज देखिए यहाँ पे रेडी हो चुका है गाइज, कैसा लग रहा है आपको बताइए। बाप रे भाई इतना मस्त लग रहा है ना गाइज, मैं क्या बताऊँ। तो अभी इसको खाएंगे। घी जीरा राइस है और यहाँ पे है आपका मस्त। और सबसे बेस्ट बात बताऊँ गाइज, ये है कर्ड, प्योर देसी कर्ड। तो इसके साथ खाएंगे और मज़ा करते हैं। चलिए अब इसको खाते हैं, टेस्टिंग करते हैं और आपको बताते हैं कैसा लगा। सो गाइज चलो अब शुरू करते हैं खाने का प्रतिक्रिया, ठीक है। देखो घी जीरा राइस कैसा है भाई, अगर मन है खाने का तो बना के खा सकते हो इस टेक्निक से। और भाई मज़ा अलग आता है खाने में, जो बात है। तो चलिए गाइज इसको खाते हैं। ओह गरम तो बहुत ज़्यादा है। ओह हो, थोड़ा सा दही ले, थोड़ा देसी स्टाइल में खाता हूँ गाइज, बड़ा मज़ा आता है। तो चलिए गाइज इसको लिया ऐसे, देखो गाइज टेस्ट, वो भाई कंसिस्टेंसी खतरनाक है गाइज। तो चलिए अब इसको खा के दिखाता हूँ गाइज। तो गाइज देखो और गाइज लहसुन जो है, इस लहसुन को कैसे खाते हैं, देखो इसको चूसना है, देखो देखो कैसे निकलता है, देखो देखो गाइज। बेहतरीन, देखो गाइज यम्मी गाइज, बहुत अमेजिंग। आय हाय मजा आ गया खा के। तो गाइज देखो मिर्ची भी, इसका टेस्टिंग जो है बहुत खतरनाक है इसका, ये भी मस्त लगता है। और गाइज ये देखो दिखाता हूँ, ये जो है छोले का कंसिस्टेंसी देख लो भाई साहब, बहुत गजब खतरनाक भाई। देखो इसको फुल मिक्स करते हैं अपन, ठीक है। और थोड़ा सा दही लेंगे और थोड़ा सा दही इसमें डालेंगे। तो भाई साहब बड़ा ही गजब। चलो भाई फिर खा के दिखाता हूँ मैं, एक लंबा सा बड़ा सा, ठीक है। सो गाइज एक बार और ट्राई करते हैं। भाई इसका कंसिस्टेंसी देखो भाई, भाई बहुत टेस्टी लग रहा है और यम्मी लग रहा है। साइड में देखो ये देखो घी है, घी ये देखो रोगन। तो गाइज चलो इसको फिर मिलाते हैं, एक बड़ा सा निवाला लेते हैं और उसके बाद ब्लॉग को कंप्लीट करेंगे। और कैसे बना है सब्सक्राइब कीजिए और देखिए वीडियो। और मैं बता रहा हूँ अगली बार कुछ और कमेंट में करना, मैं वो बना के दिखाऊँगा। और पता है भाई झटपट बन जाता है। हम लोग हैं बैचलर, ठीक है, और हम जॉब करने वाले लड़के हैं, ऊपर से राइडर भी है भाई, कॉम्बिनेशन है थोड़ा, बाइक राइडर। अगर चैनल में बाइक मेरा नहीं देखा है, डाकू जिसका मैंने नाम रखा था, तो जाके चैनल सब्सक्राइब करो। और ये देखो भाई, होए 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 होए, चलो खा के दिखाता हूँ। अद्भुत गाइस, अद्भुत। मजा आ गया। ठीक है गाइस, चलो सब्सक्राइब करो चैनल को और मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक मैं खा वा लेता हूँ और बताना कैसा लगा रेसिपी। और ये देखो गाइस कैसा है, बताना कैसा लगा गाइस। चलो मिलते हैं गाइस अगले व्लॉग में। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल कीजिए, रखिए। और भाई मुझे कुछ बोलने का मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि भाई जो मुंह में खाने का मज़ा आ रहा है अल्टीमेट। चलो गाइस मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखो। और डाकू व्लॉग्स में आने के लिए धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना यार, अभी तक कर लो प्लीज़। बाय गाइस, मिलते हैं।